मौजूद हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री इस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरा जो यहाँ पर जो पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है किस तरह से काम हो रहा है, कैसे कैसे जो कनेक्टिविटी है वो रखी गई है, कितनी दूरी पर रखी गई है, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर समझ रहे हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर हम बात करें तो अगर क्योंकि हम देखते हैं जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर 8 डिब्बे होते हैं अगर बात की जाए तो तमाम जो विशेषताएं उसमें नज़र आई हैं, क्योंकि हम अगर दिल्ली की बात करते हैं तो मेट्रो में डिब्बे ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो 3 डिब्बों की ही मेट्रो अभी शुरुआत इसकी की गई है। और साथ ही साथ हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईटेक मेट्रो ट्रेन बताई जा रही है। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री जी, इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद अब मेट्रो की तरफ जा रहे हैं और आपको बता दें कि आधुनिक इसलिए भी है कि इसमें सुविधाओं के साथ साथ कई चीजें नई हैं। जैसे कि इस मेट्रो में जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इस तरह का है कि जब भी मेट्रो में ब्रेक लगेगी उससे एनर्जी जनरेट होगी और वो एनर्जी एक इन्वर्टर में कन्वर्ट होकर उसको स्टोर किया जा सकता है और मेट्रो के संचालन में ही उस एनर्जी को प्रयोग किया जा सकता है, जिसको थर्ड रेल बोला गया है। उसी के द्वारा ये रेल है, वो जो मेट्रो रेल है वो चलेगी और जो वायर है, जो बिजली के तार हैं वो ऊपर नहीं है। दिल्ली मेट्रो आपने देखा होगा जो तार आपको ऊपर दिखाई देते होंगे, लेकिन कानपुर मेट्रो में ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ ही इस स्टेशन में जितनी भी लिफ्टें प्रयोग की गई हैं उन लिफ्टों में भी इसी तकनीक का प्रयोग किया गया है कि जब भी लिफ्ट ऑपरेट होगी, जब भी लिफ्ट चलेगी तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का जो प्रयोग है वो दोबारा से कर सकते हैं और करीब 45 जो बिजली है उसको आप बचा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1000 एनर्जी खर्च की तो आप समझ सकते हैं कि उस एनर्जी का जो बिजली वो दोबारा से कर सकते हैं और करीब और ऐसे समय अगर आप 1000 कल्याणपुर का स्टॉप आएगा और उसके बाद SPM हॉस्पिटल का स्टॉप आएगा, विश्वविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय वो स्पॉट आएगा। अब अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी और इसके अलावा मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री आएगा कानपुर के बाद SPM हॉस्पिटल स्टॉप आएगा और विश्वविद्यालय कानपुर 74 लोग इसमें एक बार में सफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है कि जो AC इसमें लगाया गया है वो ऐसी प्रणाली पर है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ये जो AC है वो काम करेगा, उससे भी काफी बिजली की बचत होगी। अगर आप देखें मेट्रो जाती हुई और विश्वविद्यालय आपको बता दें कि काफी ट्रांसपोर्ट इलाका था वो पहले और शॉपिंग के लिए लोग अलग अलग जगहों से वहां पर पहुंचते थे और तमाम परेशानियां उनको होती थी, लेकिन अब कल्याणपुर पूरा बदल गया है और आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं। कल्याणपुर में रेलवे स्टेशन भी है जो आम रेलवे होती है और वहां से भी सीधे लोग जो कानपुर मेट्रो है उसमें सफर कर सकते हैं क्योंकि वहां पर स्टेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है और प्रधानमंत्री देखते हुए उस पूरे इलाके को कि किस तरीके से डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ ही जो ट्रैक बनाया गया है मेट्रो का वहां पर सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी ग्रीनरी है उसका ध्यान रखा गया है और एक तरह से ग्रीन मेट्रो अगर हम इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा। पूरा का पूरा इलाका है उसे उसमें ग्रीनरी का प्रयोग किया गया है। आप ये देख रहे होंगे विजुअलों को कितना कंजेस्टेड इलाका है जहां पर पहले ट्रैफिक की तमाम दिक्कतें होती थी, लेकिन अब मेट्रो की सुविधा मिली है और लोग आसानी से सफर कर सकते हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं और वो देखना चाहते हैं अपने लोकप्रिय नेता को, प्रधानमंत्री को, जिस तरीके से विकास के तमाम कार्यों को तय समय में पूरा किया जा रहा है। क्योंकि अगर इस मेट्रो की बात करें तो 2 साल के अल्प अवधि में ये मेट्रो बनी है और ये आप देखें कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन जिससे गुजरते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निश्चित तौर पर
नीरज, क्योंकि हमने देखा कि मेट्रो का काम बहुत तेजी से चला है कानपुर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से, अगर हम देख रहे हैं कि उनकी जो पैनी नजर है, उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं, तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर उनकी पैनी नजर है, और साथ ही साथ विकास की एक जो बयार यहां पर देखने को मिल रही है, तो इसकी अब एक सौगात कानपुर वासियों को भी आज मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि तमाम जो मेट्रो शहर हैं, स्मार्ट सिटी हैं, उनमें जो सुविधाएं हैं वो भी स्मार्ट होनी चाहिए, वो सिर्फ नाम भर से ना हो, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो की शुरुआत हुई है, ई जो बसेज हैं वो लगाई गई हैं कानपुर के अंदर, जिस तरीके से विकास के तमाम काम किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा बीनापन की जो लाइन है उसको, पेट्रोलियम लाइन है उसको जोड़ा गया है, पूरे पूर्वांचल के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के लिए कह सकते हैं कि जो यातायात है वो काफी सुगम हो पाएगा, और पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ कानपुर के पंजी में पहुंच पाएगा। तो ये कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि उसकी सुविधाओं का जो लाभ है वो लोगों को मिल सके, और यही कारण है कि आज जरूर मेट्रो की शुरुआत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो विकास के जो कार्य हैं वो भी कानपुर में लगातार चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि इस प्रथम चरण का जो कार्य शुरू हुआ है वो IIT कानपुर मेट्रो से लेकर जो आखिरी जो स्टेशन है वो मोती झील तक है, लेकिन इसको आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा, और अभी 9 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो तैयार है, लेकिन इस ट्रैक को करीब 28 किलोमीटर तक जो पहला कॉरिडोर है उसको और जो दूसरा इसका जो कॉरिडोर बनेगा वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शुरू होगा, वो करीब 8-8.5 किलोमीटर का वो ट्रैक होगा, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शुरू होके 12-1 तक जो दूसरा ट्रैक है वो आएगा, और 2024 में इस पूरे ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि 32.5 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक है, जिसमें कानपुर की ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ ही जो मेन मेन जो जगह है कानपुर की वो कवर हो पाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कानपुर वासियों के लिए कितनी बड़ी अभी का जो ट्रैक है वो तैयार है, मेट्रो ट्रैक की गई करीब 28 किलोमीटर तक जो मेट्रो ट्रैक की गई समस्या कानपुर में जो मेट्रो हो जाएगी, उसके साथ साथ ही वो जो मेट्रो मेन जो कई महीनों में कवर महीनों में आप समझ सुविधाओं से ये कानपुर वासियों। बिल्कुल नीरज, ऐसे में जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री पहले मुसाफिर बने हैं, और साथ ही साथ इन्होंने उद्घाटन भी किया है, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर हम आज कार्यक्रम की बात करें तो तमाम ऐसी सौगातें हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी और कानपुर को देने वाले हैं, तो कानपुर वासियों के लिए और क्या क्या है आज प्रधानमंत्री के पास देने के लिए? देखिए, कानपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी सौगात तो मेट्रो की थी, जो 11,000 करोड़ की है, जो शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने की है और उसका लोकार्पण करके लोगों को आज कानपुर वासियों को सौंपेंगे। इसके साथ ही बीनापन की जो पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन है उसका भी आज उसकी शुरुआत है, क्योंकि 374 किलोमीटर करीब की लंबी लाइन है, और जिससे पेट्रोलियम पदार्थ है वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के पनकी में आएगा, और यहाँ से पूर्वांचल के लिए कह सकते हैं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो भी एक बड़ी पहल है, क्योंकि उसके माध्यम से ना केवल समय की बचत होगी बल्कि तय समय के अंदर ही वो पेट्रोलियम पदार्थ पूर्वांचल तक पहुंच पाएगा, तो लोगों के लिए उसे बड़ी सुविधा होगी। इसके साथ ही एक बड़ी पब्लिक रैली है, प्रधानमंत्री उसको संबोधित करेंगे, और जहां से मेट्रो का सफर तय करके प्रधानमंत्री जी उसी रैली के लिए जा रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री का जो सफर है वो गीता नगर तक रहेगा, गीता नगर में प्रधानमंत्री जी मेट्रो से उतरेंगे और उसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करने के लिए वहां के लिए रवाना होंगे। तो आज का दिन कानपुर वासियों के लिए बड़ा दिन है, और न केवल इसके कानपुर में बदलाव आएगा बल्कि कानपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा मैं जिक्र कर रहा था गौरव, कि आपको मैं बता दूं कि जो मेट्रो के अंदर किस तरह की जो खूबियां हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था आपको पहले, खुद एनर्जी सेव करती है, और इसके अलावा कार्बन ऑक्सीडाइज सेंसर बेस्ड एयर कंडीशन इसमें लगाया गया है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही चलेगा, तो उसमें भी काफी एनर्जी है वो सेव होगी। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम इसमें यूज किया गया है, कंट्रोल रूम एक जगह बनाया गया है जहाँ से पूरे ट्रेन के ट्रैकिंग सिस्टम को देखा जा सकता है, कहाँ कितनी स्पीड है, कहाँ पे रुकी है, कहाँ कोई परेशानी। इसके अलावा ट्रेन की अगर स्पीड की अगर हम बात करें
तो मैक्सिमम 90 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और जो ऑपरेशनल स्पीड रहेगी वो 80 किलोमीटर के आसपास रहेगी। एक साथ में 974 पैसेंजर इन तीन डिब्बे वाली ट्रेन में सफर कर सकते हैं और बड़ी संख्या में यूथ की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है कि अगर आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं तो मोबाइल चार्जर 48 के करीब मोबाइल चार्जर के जो पॉइंट हैं वो इसमें किए गए हैं। पूरी ट्रेन को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और इस कैमरों की खासियत ये है कि जब मेट्रो स्टेशन पर पहुंचेगी तो वो स्टेशन भी पूरा सीसीटीवी कैमरे से जो मेट्रो ट्रेन ऑपरेटर है वो देख पाएगा कि अगर प्लेटफॉर्म के आसपास कोई व्यक्ति नजदीक खड़ा है या कह सकते हैं कि ऐसी जगह पर खड़ा है जो उसके लिए चिंताजनक हो सकती है तो उसको पहले वार्निंग दी जा सकती है और ट्रेन को पहले रोका जा सकता है। तो इस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं उससे ये जो ट्रेन है वो लैस है और इसी में प्रधानमंत्री जी इस समय आप देख रहे हैं कि सफर कर रहे हैं क्योंकि कई सारी नई सुविधाएं दूसरी मेट्रो ट्रेन से इस ट्रेन को मिली है। जी नीरज, कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो जैसा कि है कि गंतव्य स्थान तक पहुंचने में इसको 32 किलोमीटर का सफर यह करना पड़ेगा, ऐसे में कौन कौन सा रूट जो है उसमें कौन कौन से ऐसे स्टेशंस पड़ेंगे जहां के लोगों को सबसे ज्यादा सहूलियत मिलेगी? देखिए जैसा कि मैं बता रहा था कि पहला जो मैं एक रूट का जिक्र कर दूं जो अभी फर्स्ट रूट है जो प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, ये जो रूट IIT कानपुर से शुरू होता है, IIT कानपुर से फिर दूसरा है कल्याणपुर रेलवे स्टेशन है, SPM हॉस्पिटल है, इसके अलावा अगला है जो कानपुर यूनिवर्सिटी का है, उसका अगला जो स्टेशन है गुरुद्वारा चौराहा है उसी के आसपास प्रधानमंत्री जी इस समय है और उसके बाद गीता नगर का जो मेट्रो स्टेशन है वो आएगा जहां प्रधानमंत्री जी उतरेंगे और इससे जो अगला स्टेशन है इसी ट्रैक को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो लाला लाजपत राय हॉस्पिटल है वहां तक ये ट्रैक पहुंचा है और उसके बाद मोतीझील है। तो ये ट्रैक पूरा कंप्लीट हो गया है, इसी ट्रैक को आगे बढ़ाया जाएगा, मोती झील से आगे जो चुन्नीगंज है वहाँ ये पहुंचेगा, इसके बाद बड़ा चौराया है, नयागंज है, कानपुर सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है उसको कनेक्ट करेगा, इसके साथ ही कानपुर का जो बस स्टैंड है उसको कनेक्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट नगर है उसको कनेक्ट करेगा, किदवई नगर वहां से होते हुए बसंत विहार, बुद्ध नगर और नौबस्ता। ये पहला जो ट्रैक है जो 28 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है ये कानपुर IIT कानपुर से शुरू होकर नौबस्ता तक जाएगा। अगर हम दूसरे ट्रैक की अगर बात करें और अब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वो शुरू होगा और इस समय प्रधानमंत्री जी अगर आप देखें तो गीता नगर का जो मेट्रो स्टेशन है उस पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा है और यहाँ प्रधानमंत्री जी उतर रहे हैं और यहीं से वो बाहर निकलेंगे और उसके बाद यहाँ से हेलीपैड के द्वारा वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पर रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो दूसरे हम ट्रैक की हम बात कर रहे थे जो एग्रीकल्चर कानपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां से शुरू होगा वो ट्रैक और इसके अलावा डबल पुलिया से होते हुए विजयनगर चौराया पहुंचेगा, गोवर्धन नगर पहुंचेगा, शास्त्री चौक पहुंचेगा, फिर 12/7 है वहां पहुंचेगा और 12/8 वहां पर खत्म होगा। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रैक है जो 32 किलोमीटर से ज्यादा का ट्रैक है और इस पूरे ट्रैक को 2024 तक बना दिया जाएगा और यही कारण है कि एक बड़ी सौगात है और इस समय प्रधानमंत्री जी गीता नगर जो मेट्रो है उससे निकलते हुए बाहर। जी पहले फेज की बात तो सामने साफ तस्वीरों में नजर आ रही है लेकिन अगर हम दूसरे या तीसरे फेज की बात करें कि कानपुर में क्योंकि जगह जगह तक ये कनेक्टिविटी और आगे तक पहुंचे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 साल में वो करके दिखाया जिसमें सालों लग जाते हैं और बहुत उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से ये काम हुआ है, तो ऐसे में मेट्रो का जो संचालन है वो आगे इसका स्वरूप किस तरह से होगा, क्या इतनी तेजी से और काम हो पाएगा कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर देखें तो? बिल्कुल इतनी ही तेजी से काम होगा और इतनी ही तेजी से काम गौरव अभी भी लगातार चल रहा है, रात और दिन चल रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों में जिस तरीके का कोरोना का पीरियड रहा है और तमाम तरह की चुनौतियां सामने आई हैं उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 2400 घंटे उस पर काम किया गया और ये एक रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर, एक रिकॉर्ड है कि 2 साल के अंदर ही मेट्रो की परियोजना की आधारशिला रखी गई और 2 साल के अंदर ही इस परियोजना को पूरा कर लिया गया। तो ये अपने आप में भी कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण है, इस परियोजना को लेकर देश में दूसरी अलग परियोजनाएं चल रही हैं तो उन्हें भी